नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देखो सीखो एजुकेशन में। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 समाप्त हो चुके हैं। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि भारत ने कितने पदक जीते हैं, उसके मुकाबले पाकिस्तान कितने पदक जीत पाया। आपको बता दें कि इस बार टोटल 72 देशों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट किया था। भारत की बात करें तो 215 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 15 डिफरेंट खेलों में पार्टिसिपेट किया गया था, जैसे कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, जूडो, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ट्राइथेलॉन, वेट लिफ्टिंग एंड क्रिकेट। क्रिकेट को इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शुरू किया गया था, लेकिन सिर्फ महिला क्रिकेट टीम, जिसमें T20 का फॉर्मेट रखा गया था। भारत ने अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला चौथा देश बन गया है, जहां ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर बना हुआ है, जिसने गोल्ड मेडल 981 जीते हैं। वहीं इंग्लैंड दूसरे स्थान पर, जिसने 754, और कनाडा 501 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। कॉमनवेल्थ 2022 की बात करें तो भारत ने टोटल 61 मेडल अपने नाम किए, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल, 16 रजत यानी कि सिल्वर मेडल, 23 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। इस बार अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर टोटल 178 मेडल के साथ शीर्ष पर बना रहा। इंग्लैंड 176 के साथ दूसरे नंबर पर, वहीं कनाडा 92 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। बात करें विनेश फोगट की, तो पहली महिला रेसलर ऐसी बनी है जिन्होंने लगातार 3 बार एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बात करें पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस बार गोल्ड मेडल अपने नाम भी किया है। वहीं महिला क्रिकेट टीम T20 की बात करें तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अब देखते हैं पाकिस्तान का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में क्या प्रदर्शन रहा। पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए, यानी कि पाकिस्तान ने टोटल 8 पदक अपने नाम किए। पाकिस्तान के मोहम्मद नूह भट्ट ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुष भाला फेंक फाइनल में 90.18 मीटर थ्रो का रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें देखो सीखो एजुकेशन।